ओके बच्चों, आज हम जो कंसेप्ट समझने जा रहे हैं उसका नाम है करंट कैरिंग थ्रू सोलेनोइड। सोलेनोइड में किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो करंट कैरिंग सोलेनोइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनती है, वो टॉपिक आज हम समझने जा रहे हैं। जिसमें सोलेनोइड किसको बोलते हैं, एक वुड का या प्लास्टिक का एक मटेरियल होता है जिसके ऊपर हम वायर को वाउंड करते हैं और उसके अंदर हम करंट फ्लो करवाते हैं। उस करंट फ्लो होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होता है, ये चीज आज हम समझने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इधर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा दिस वन, ये जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ दिस वन, इसको मैं ब्लू ब्लू से बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्लू। ठीक है, यहां तक समझ में आया दिस ब्लू वन। ठीक है, ये जो ब्लू बना हुआ है ये किसी प्लास्टिक का या किसी वुड का बना होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बच्चों कि ये जो प्लास्टिक और वुड का बना है, तो मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपके पास में इस तरह का ये प्लास्टिक या वुड का कोई क्यूबॉइड है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए इसके अंदर हम वायर को वाउंड करते हैं। तो देखिए, एक जो उसका सिरा है, जो उसका टर्मिनल है वायर का, वो ऐसे बाहर रख देते हैं और फिर इस तरह से इसको वाउंड करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको वाउंड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, करंट कहां से अंदर आएगा, इसमें यहां से अंदर आएगा करंट इस टर्मिनल से। तो करंट इस टर्मिनल से अंदर आया, यहां तक समझ में आया आपको, दिस इज द टर्मिनल जहां से करंट कहां आएगा, अंदर जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऐसा ही कुछ चीज यहां पर बनी हुई है। अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये एक सिलेंड्रिकल शेप है जिसमें की वायर हम यहाँ पीछे से दे रहे हैं। देखो इसमें हम कहां से दे रहे हैं, पीछे से दे रहे हैं, यस और नो, है ना, पीछे से प्रोवाइड कर रहे हैं, पीछे से वायर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, समझिए, पीछे से अगर हम इसमें करंट देंगे तो क्या होगा बताओ, करंट देने से क्या होता है बताइए। तो हम इसको देखो, इधर से ध्यान दो, इधर हम पीछे से करंट देंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड थंब रूल हमने पढ़ा है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी दिस इज मैग्नेटिक, कर्ल फिंगर्स गिव्स द मैग्नेटिक फील्ड एंड थम्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो थम्ब है वो करंट का डायरेक्शन बताता है बच्चों, और कर्ल फिंगर जो है वो हमको क्या बताती है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर करंट का डायरेक्शन हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर करंट का डायरेक्शन हम क्या देख रहे हैं, इधर देखिए ये। ठीक है, तो इसमें एक दोनों चीजें होती हैं कि अगर हम चाहें तो हम थम हम कर्ल फिंगर को करंट यूज कर सकते हैं और थम को मैग्नेटिक फील्ड यूज कर सकते हैं, या फिर उल्टा भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों को वाइस वर्सा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर हम करंट का डायरेक्शन कैसा है, देखिए ऐसा है, करंट का डायरेक्शन ऐसा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो गई, ऐसी होगी, यस और नो। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आया सब बच्चों को, बोलो। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी, ऐसी होगी मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगी, इस तरफ होगी मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड जो हमने बार मैग्नेट में पढ़ा था डियर स्टूडेंट, बार मैग्नेट में इफ यू रिमेम्बर, तो हमने क्या पढ़ा था डियर स्टूडेंट बार मैग्नेट में बताइए। तो बार मैग्नेट में हमने पढ़ा था कि फॉर एग्जाम्पल ये बार मैग्नेट है, तो यहाँ पर नॉर्थ होता है और यहाँ पर साउथ होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो हमेशा नॉर्थ से साउथ होगा। मतलब इसका क्या मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह की होगी, यस और नो। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, तो अभी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैंने ऐसा क्यों बनाया, बिकॉज हमारा जो एरो आ रहा था देखिए वो कहां आ रहा था, यहाँ पर, और मैग्नेटिक फील्ड यहीं से इस डायरेक्शन में मतलब यहां से यहां पर होती है, यस और नो, बोलो बच्चों। यहां तक समझ में आया डियर स्टूडेंट्स, बोलिए। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या हो गया, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यस और नो, यहां तक समझ में आया बच्चों। तो ये अगर यहां से यहां पर है मतलब ओबियसली ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, एन, और ये क्या हो जाएगा, पॉइंट एस। ये समझ में आया, बोलिए, यहां तक क्लियर है सबको, एनी डाउट? चलिए तो आगे चलते हैं। तो इसको अगर हमको इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे, an insulated copper wire wound on plastic cardboard, cylindrical cardboard, cylindrical cardboard
such that its length is greater than its diameter. ठीक है, इज कॉल्ड सोलेनोइड. इज इट क्लियर बोली? या आई विल कम, डोंट वरी, जस्ट वेट फॉर अ मिनट. आई होप यहां तक क्लियर है, सब बच्चों को बोलिए. ठीक है, सो दिस इज द फाइनल थिंग. आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया, व्हाट इट सेज. ओके, now you will study electromagnet. ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की एप्लीकेशन का पहले वो समझते हैं. तो कोई भी मोटर होती है जिसमें हमको बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होती है, वहां पर हम परमानेंट मैग्नेट की जगह जो चुंबक होता था उसकी जगह हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं, तो उसी साइज में वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. इज इट गेटिंग क्लियर? ठीक है, तो अब आप समझिए कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होगा. कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, कोई मैग्नेटिक मटेरियल है. ठीक है, इस मैग्नेटिक मटेरियल में ना, इस मैग्नेटिक मटेरियल में डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे. इन दिस मैग्नेटिक मटेरियल डियर स्टूडेंट्स व्हाट वी विल बी डूइंग, इन दिस मैग्नेटिक मटेरियल वी विल बी वाउंडिंग अ वायर. ठीक है, हम क्या करेंगे, एक वायर लगा देंगे और यहाँ पर एक बैटरी लगा देंगे. ठीक है, ये हो गया आपका वोल्टेज, ये हो गया आपका करंट. ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो बच्चों अगर मैं आपसे बात करता हूँ, डियर स्टूडेंट्स, इफ आई टॉक यू अबाउट सोलिनोइड में हमने क्या करा था बच्चों, यहाँ पर हमने क्या करा था बताइए. इसकी जगह हमने क्या करा था, एक प्लास्टिक या फिर हमने कोई प्लास्टिक या वुड लिया था. प्लास्टिक या वुड की जगह अगर बच्चों हम यहाँ पर ले लेते हैं, इस वाले में हम क्या ले लेते हैं, कोई मैग्नेटिक मटेरियल. अब मैग्नेटिक मटेरियल थ्री टाइप्स के होते हैं बच्चों, है ना. पहला होता है फेरोमैग्नेटिक, फिर होता है डायमैग्नेटिक, फिर होता है पैरामैग्नेटिक. ठीक है बच्चों, ये तीन टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं. ठीक है, तो ये जो तीन टाइप के डियर स्टूडेंट्स मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, इसमें से हम सबसे बढ़िया मैग्नेटिक मटेरियल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट. सो हम क्या करते हैं बच्चों, फेरोमैग्नेट. तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ये जो आपको दिख रहा है, दिस ब्लू जो मैं अब बनाने जा रहा हूँ, ब्लू, ये जो ब्लू है ये किसका बना हुआ है डियर स्टूडेंट बताइए. ठीक है, ये ब्लू जो है किसका बना है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का. ठीक है, तो ये हो गया आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. ठीक है, ये हो गया आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. अब इसमें हमने करंट को फ्लो करवाया, तो जैसे हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में करंट को फ्लो करवाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत सारी बढ़ जाती है, बहुत सारी. ठीक है, सो हम क्या कर सकते, हमारे ये फायदेमंद क्यों है, क्योंकि अगर हमको कहीं मोटर यूज करनी है, जैसे ट्रेन चलानी है, बहुत बड़ी मोटर चाहिए, बहुत बड़ा किसी बॉयलर को हिलाना है, किसी चीज को मूव करवाना है, ठीक है, तो हमको ज्यादा बड़ी मोटर चाहिए, ज्यादा पावरफुल, अगर हमको ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उसमें चाहिए, परमानेंट मैग्नेट जो है ना, ये हम चुंबक जिसको बोलते हैं, हम वो यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका साइज बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हमारी ट्रेन की साइज बढ़ जाएगी, या जहां पर भी हमको यूज करना है उसकी साइज बढ़ जाएगी. अब आपको पता है कि जो भी स्पेस होता है वो वेरी कॉस्टली होता है. ठीक है, हर स्पेस का कॉस्ट होता है, तो हमको स्पेस कम से कम यूज करना, देयरफॉर वी यूज दिस, एंड दिस वी कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट. इसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेट इसलिए पड़ा क्योंकि हम इसको क्या देते हैं बच्चों, एक तो हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी से हमको क्या मिलती है बच्चों बताओ, मैग्नेटिक फील्ड मिलती है. क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी से हमको मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट. आया बात समझ में आपको? ठीक है, अब कितने टाइप के मटेरियल होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? ठीक है, सो इसका हम डेफिनेशन लिख देते हैं बच्चों. अब एक बात है इसमें, इन दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चों बताओ, ये जो परमानेंट मैग्नेट है ना डियर स्टूडेंट्स, ये परमानेंट मैग्नेट जो होता है, दिस परमानेंट मैग्नेट,
इसमें ये क्या होता है, ये परमानेंट होता है, मतलब ये हमेशा रहेगा चाहे कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स अगर आप इसकी बात करें, तो अगर आपने यहाँ पर करंट का फ्लो करवाना बंद कर दिया, डियर स्टूडेंट्स अगर आपने यहाँ पर करंट का फ्लो करवाना बंद कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, आपका ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कोई काम का नहीं रहेगा। इसलिए इसका नाम क्या है बच्चों, टेम्परेरी मैग्नेट। क्या नाम होता है इसका, टेम्पररी मैग्नेट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, टेम्पररी मैग्नेट। क्यों बोलते हैं, बिकॉज करंट बंद हो गया तो मैग्नेटिज्म बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है यहां तक, बोलिए। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं, एन इंसुलेटेड कॉपर वायर, वो तो हमने उसका लिखा था ना, तो इसको हम लिखते हैं टेम्पररी मैग्नेट की टर्म में, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज टेम्पररी मैग्नेट। Is temporary, an electromagnet is temporary magnet and it's just like solenoid and it's just like a solenoid with its core. बॉडी, इसको आप बॉडी बोलते हो, तो बॉडी मेड ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, जस्ट लाइक सॉफ्ट आयरन कोर। क्या हो जाएगा, सॉफ्ट आयरन कोर। यहां तक समझ में आया बच्चों, बोलिए। अब सॉफ्ट आयरन कोर क्या होगी, ये जो मटेरियल है ना बच्चों, ये किसका बना होगा, सॉफ्ट आयरन का। किसका बना होगा डियर स्टूडेंट्स, सॉफ्ट आयरन का। यहां तक समझ में आया बताइए, एवरीवन इज क्लियर विद दिस, बोलिए। अब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, यहां तक आपको समझ में आया तो हम आगे चलते हैं, और इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, अभी तक जो मैंने पढ़ाया इसमें कोई डाउट हो तो बताइए।